हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गेयर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन कार्बन डायग्राम। ये मेरी सेकंड वीडियो है आयरन कार्बन डायग्राम पे। जो पहली वीडियो मैंने वो प्योर आयरन पे बनाई थी ताकि बेस आपका तैयार हो सके कि आयरन कार्बन डायग्राम में आगे कैसे चलना है। तो अगर आपने वो पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे पहले देखें। मैं ऊपर जो वीडियो में लिंक दे रहा हूं उस पर आप क्लिक करके वो वाला पार्ट देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम। ऑब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल ओपन करें, वहां प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, सोम, फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्टॉर्म, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑटोमोबाइल मटेरियल्स हैं, सबकी अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, आयरन कार्बन डायग्राम समझने से पहले थोड़ा सा चीजें समझ लीजिए कि आयरन, प्योर आयरन हमारे पास है, ठीक है। इंसान ने देखा कि प्योर आयरन को कैसे कैसे चेंजेस हम ला सकते हैं उसमें, लेकिन अब इच्छा और बढ़ी कि हम इसमें क्वालिटीज कैसे इंप्रूव करें। देखिए, आयरन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती प्योर की, क्योंकि उस पर रस्ट लग जाता है, उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो उसके कारण क्वालिटीज उसकी इंप्रूव करनी पड़ी। तो इंसान कहता है जी हमने पंगा लेना है, तो पंगे लेने से क्या मतलब, हमने इसमें कुछ चेंजेस किए, आयरन को गर्म किया। जैसे हम देखिए चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय में क्या है, पानी गर्म किया, ठीक है, चाय पत्ती, दूध, चीनी सब कुछ डालते हैं, उसमें मिक्सअप हो जाता है, वो हम उसे चाय बोलते हैं, पीते हैं। इसी तरह आयरन कार्बन डायग्राम में कैसे है कि आयरन को गर्म किया, अब इसमें छिड़कते हैं कार्बन, जैसे चाय बनाते हैं वैसे सेम आयरन को गर्म करते हैं और इसमें कार्बन एडअप करते हैं। जैसे जैसे कार्बन एडअप होता है उसकी क्वालिटीज इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। और जब आयरन में कार्बन मिक्सअप होता है तो उसे हम स्टील बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी एक लिमिट है, वो सब कुछ बताऊंगा, कितनी परसेंटेज पे हमें स्टील मैक्सिमम है, उसके बाद कितनी पे नहीं है। तो हमने कार्बन एडअप किया और उसकी क्वालिटीज इंप्रूव की, कैसे, जैसे जंग लगने से बचाना शुरू किया, ठीक है, क्रोमियम डाला तो उसे जंग लगना बंद हो गया उसपे, ठीक है, रेजिस्टेंस आ गई क्रोजन पे, कार्बन एडअप किया उसमें स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू होगी, तो क्वालिटीज धीरे धीरे इंप्रूव करनी हो शुरू होगी। तो हमने समझा कि कैसे कितने परसेंट कार्बन डालें कि कौन सी क्वालिटी। देखिए, स्टील बहुत से तरह के, हजारों तरह के स्टील है, आप इवन घर पे देखिए तो स्टील आप हैरान हो जाएंगे, स्टील कितने तरह की चीजें हमारे पास घर पे है। कुछ स्टील ऐसी हैं जिसे आप फोल्ड भी नहीं कर सकते हैं, दबाते हैं, जोर लगाते हैं, वो स्टील फोल्ड भी नहीं होगा, आपसे मुड़ेगा भी नहीं। लेकिन कुछ स्टील ऐसे हैं जैसे स्टील रूल है, ठीक है, जो स्केल होता है और आप उसे फोल्ड करते हो इजिली फोल्ड हो जाता है, आप उसे दबाते हो तो इजिली फोल्ड हो जाता है और वो भी स्टील है। तो स्टील अलग अलग तरह के हैं, कार्बन जैसे जैसे एडअप करते जाएंगे आप उसको अलग स्टील आपको मिलते जाएंगे। लेकिन फिर एक बात आपको समझने वाली है कि कार्बन एडअप करना मजाक नहीं है, कार्बन एडअप करना भी एक इंजीनियरिंग है। तो कार्बन कितना एडअप होगा, कितने टेम्परेचर पे होगा, वो अलग अलग है। देखिए, जैसे पानी है तो पानी में चीनी आप घोलते हो, देखिए एक चम्मच चीनी, दो चम्मच, तीन चम्मच घोले घुल जाएगा, चार डाले घुल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे घोलते घोलते आप पांच छह चम्मच डालती है, एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो पानी का वो सैचुरेशन पॉइंट जो आ चुका है चीनी के लिए। इसी तरह आयरन के अंदर भी आप कार्बन एडअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हमने ये जाना कि इसकी लिमिट, जी कार्बन इतना डाल सकता है, इसकी लिमिट खत्म हो गई, हमने ये लिमिट बढ़ाना चाहा। जैसे पानी में चीनी की टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हो सैचुरेशन पॉइंट, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, पानी का टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो चीनी और ज्यादा मिक्स उसमें एडअप हो सकती है, और एक दो चम्मच डालोगे, फिर पानी गर्म कीजिए, फिर तो आप पानी का टेम्परेचर राइज करते हैं, उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाता है चीनी घुलने का। इसी तरह से आयरन का भी होता है, आयरन का आप टेम्परेचर राइज कर दिए, जैसे मान लो यहां पे है तो कार्बन उसमें एडअप हो चुका, मैक्सिमम जितना एडअप होना है हो चुका है, आपने कार्बन का टेम्परेचर राइज कर दिया और कार्बन आप ऐड करने के लायक बन गए, और कार्बन आयरन गर्म किया आप और ज्यादा कार्बन एडअप करने के लायक बन गए। तो आपने ये समझना है दो चीजें,
कितना परसेंटेज कार्बन डालना है, कितने टेम्परेचर पे डालना है, ये अगर आपको पता है टेम्परेचर और कार्बन के आपस में क्या रिलेशन है, तो आप इजीली आयरन कार्बन डायग्राम समझ सकेंगे। तो आइए आगे, अब मैं डायग्राम पे आता हूं। तो डायग्राम में सबसे पहले आपने जो पॉइंट समझने हैं वो है कि इस तरह से मैं कर्व बनाऊंगा, उसको आपने यहां पे समझना है। देखते हैं, इस तरह से ये जो एरिया है, इसमें इसके अंदर अंदर इसी इस एरिया के अंदर अंदर जो आयरन होता है वो अल्फा आयरन बीसीसी होगा, वो होगा अल्फा आयरन बीसीसी। देखिए, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको इजीली समझ आएगा कि बीसीसी एफसीसी कैसे चेंज होता है, सब कुछ अल्फा आयरन क्या है, गामा आयरन क्या है, तो प्लीज वो वाली वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे जैसे अल्फा आयरन है, तो अल्फा आयरन ये जो है इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कार्बन को अपने अंदर समाने की, वो है यहां इस पॉइंट पे। यहां पे देखिए, इस तरफ मैं कार्बन परसेंटेज बता रहा हूं कितनी है, तो वो है यहां पे जो लिमिट है, देखते हैं यहां पे 0.025% ऑफ कार्बन। तो 0.025 सिर्फ कार्बन इसमें एडअप हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए भी टेम्परेचर है। तो जो टेम्परेचर है यहां पे कि कितने टेम्परेचर पे है एडअप कर सकते हैं, तो वो है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं यहां पे लिख देता हूं 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 727 डिग्री से, अब देखो यहां पे एक लाइन देखो, कम अगर कम था टेम्परेचर तो कार्बन परसेंटेज भी यहां पे कम थी, आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कार्बन परसेंटेज बढ़ रही है। देखिए, तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जहां पे अल्फा आयरन में भी कार्बन मैक्सिमम एडअप की जा सकती है, कितनी 0.025% कार्बन एडअप की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती। और ये वाला पॉइंट आपने याद रखना, ये देखिए ये है 910 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपने अगर देखा है उस वीडियो को तो उसमें प्योर आयरन की बात की है। देखो ये जो लाइन है ये है प्योर आयरन की, अगर मैं इसको प्योर आयरन को यहां से क्रॉस करता हूं, इस पॉइंट से आगे क्रॉस करता हूं टेम्परेचर को, तो अल्फा आयरन अब गामा आयरन में चेंज हो जाएगा, यहां पे जो आएगा वो आएगा गामा आयरन, यहां पे आएगा गामा आयरन। अब जो गामा आयरन ना, इसको मैं एफसीसी भी बोल देता हूं, इसको हम ऑस्टेनाइट बोलते हैं, ऑस्टेनाइट। तो आपने प्योर आयरन में देखा कि 910 डिग्री सेंटीग्रेड को, 910 डिग्री सेंटीग्रेड को पार करते हो तो अल्फा आयरन गामा आयरन में एफसीसी में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए? प्योर आयरन के लिए। लेकिन ये कार्बन जब एडअप करोगे उसके लिए नहीं है ये टेम्परेचर, ये प्योर आयरन के लिए है। तो इसके बाद आपको मैं एक लाइन बताने जा रहा हूं जिसके बारे में अगर आप समझ लेंगे तो इजीली ये चीज समझ आ जाएगी। देखिए, इसके बाद एक बार छोटी सी ये लाइन एक बार आप भूल जाएं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। गामा आयरन की लाइन देखिए, गामा आयरन के लिए हमें एक लाइन समझनी है और उसके बाद हमारा ये इजीली आप समझ लेंगे। इसको A3 लाइन बोलते, देखिए A3 लाइन को जब भी आप क्रॉस करते हैं तो आप गामा आयरन में एंटर कर जाते हैं, तो जो आपका आयरन कार्बन का मिक्सचर है वो गामा आयरन में एफसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, वो अब बीसीसी से एफसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये लाइन आप थोड़ा सा ध्यान करें तो ये थोड़ी सी नीचे जा रही है, एक बार देखिए नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होती है, थोड़ी नीचे कर्व बनता है इस तरह से, देखिए यहां तक कर्व बनता है। तो ये जो नीचे जा रही है लाइन A3 लाइन इस तरह से, तो आप जब भी इसको क्रॉस करेंगे तो ये गामा आयरन में कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास प्योर आयरन है, देखिए प्योर आयरन है, तो 910 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पार करते ही आप गामा आयरन में एंटर कर जाते हैं। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि आप मान लीजिए कि दो फ्रेंड है, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, आप एक बॉर्डर के पास रहते हो, ऐसे देखिए बॉर्डर है ये,
ठीक है। तो अगर आपको कहूं कि आप स्ट्रेट चलें और वो जो आपका फ्रेंड है वो भी स्ट्रेट चलेगा, तो ये देखो आपकी तरफ से जो बॉर्डर पड़ रहा है वो काफी दूर है, लेकिन जो आपके फ्रेंड के पास है, देखिए ये अगर आपको 5 किलोमीटर पड़ रहा है बॉर्डर, तो इसको सिर्फ 2 किलोमीटर पड़ रहा है बॉर्डर, तो आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, इसको 2 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। इसी तरह से हमारे पास यहां पे भी है। देखिए यहां पे जब प्योर आयरन था 910 डिग्री सेंटीग्रेड पार करते गामा आयरन आ रहा था, लेकिन जहां यहां थोड़ी सी मैंने कार्बन एडअप कर दी, तो कार्बन एडअप करने के बाद यहां देखिए टेम्परेचर कम हो गया, तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही गामा आयरन मिल रहा है। मैं आगे जाता हूं, कार्बन परसेंटेज बढ़ाता हूं, तो यहां पे देखिए यहां पे, तो मैं अब यहां से देखता हूं, यहां जाता हूं सीधा सीधा, चलो चलो चलो, और इसको क्रॉस करते हो आप, तो ये वाला जो टेम्परेचर है वो 900 से भी कम टेम्परेचर पे गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप आयरन कार्बन का मिक्सचर है। तो कार्बन आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए मैक्सिमम यहां पे आयरन कार्बन आयरन अल्फा आयरन में था 0.025 पे, तो मैं इसको जब चेक करता हूं तो ये देखो, तो ये और ज्यादा कम टेम्परेचर पे आप गामा आयरन में जा रहे हो। ये उसी तरह से देखो फ्रेंड, जो मैंने फ्रेंड वाली आपके एग्जांपल दी कि आप यहां से आपको दूर पड़ रहा है ये टेम्परेचर, इसलिए ज्यादा लग रहा है, ये लाइन दूर पड़ रही है, और यहां से ये नजदीक पड़ रही है, इसलिए ये गामा आयरन में कन्वर्ट यहां पे जल्दी होगा, यहां पे थोड़ा लेट, और प्योर आयरन में सबसे ज्यादा दूर 910 डिग्री टेम्परेचर पे चेंज होगा। आप प्लीज एक बार इसे समझ लीजिए, अगर ये सी समझ आती है तो बहुत ही आसान है ये समझना। देखिए मैं यहां से चला तो मेरे पास 910 डिग्री सेंटीग्रेड पार करने का गामा आयरन, अगर मैंने कार्बन डाल दिया 0.001, तो मैंने यहां से शुरू किया जाना जाना, चलते हैं चलते हैं, तो यहां से क्रॉस किया मैंने ऊपर, तो कम टेम्परेचर पे, और ज्यादा किया कार्बन एडअप किया तो और कम टेम्परेचर पे गामा आयरन में एंटर कर दिया, तो यहां पे देखो, तो यहां पे और कम टेम्परेचर पे मैंने गामा में एंटर कर लिया। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसे A3 लाइन कहते हैं। जब A3 लाइन आप क्रॉस करते हो तो आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अल्फा आयरन BCC जो है, BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो गामा आयरन FCC बन जाता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो आपको ये A3 लाइन, इसलिए मैं इतना ज्यादा जोर देके समझा रहा हूं। देखिए तो A3 लाइन को समझाने के लिए मैंने इस लाइन को डिलीट किया था, ठीक है, आपको समझाने के लिए। लेकिन देखिए जब भी आप अल्फा आयरन को गर्म करेंगे, बीसीसी को गर्म करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाई और बीसीसी से एफसीसी कन्वर्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास मान लीजिए 100% यहां पे इतना बड़ा ब्लॉक है, आप आयरन को गर्म कर रहे हैं, उसमें कार्बन मिक्स किया हुआ है और गर्म कर रहे हैं, तो उसमें से 10% पहले एफसीसी में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो धीरे धीरे टाइम चेंज होता है। तो ये जो टाइम होता है इसके अंदर हमारे पास, देखिए अगर 10% आपके पास मान ली एफसीसी बन चुका है, तो 90% तो वहां पे बीसीसी है, अगर मान ली और बढ़ा गया है, तो एफसीसी और बीसीसी का मिक्सचर होता है। ये कुछ इस तरह से है कि यहां पे मान लो कि एक कोई कंट्री है ए, यहां पे बी कंट्री है, इसका अपना ये बाउंड्री है, इसका ये बाउंड्री है, तो इन दोनों के बीच का ए प्लस बी दोनों का ये नो मैन लैंड, तो दोनों के बीच का जो लैंड है नो मैन लैंड कहलाता है जैसे, तो ये बाउंड्रियों के बीच का जो एरिया है, तो वो वाला एरिया कैसे समझते हैं, देखो तो यहां पे था अल्फा अल्फा आयरन, तो आपने गर्म करना शुरू किया, तो ये जो बीच का एरिया है ये गामा है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा प्लस गामा, ये बीच का जो एरिया है वो अल्फा प्लस गामा दोनों हो गए यहां पे। तो आपने क्या किया, A3 लाइन को समझाने के लिए मैं ये डिलीट किया था, लेकिन दोबारा जा रहा हूं, तो यहां अल्फा है, यहां गामा है, यहां अल्फा ही यहां गामा है, उन दोनों के बीच का जो एरिया अल्फा प्लस गामा दोनों होगी। आपको ये चीज समझ आई या नहीं, ये चीज जरूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब आयरन कार्बन डायग्राम सिर्फ 10% रहता है, 90% हम खत्म कर चुके हैं। तो इसमें जो गामा आयरन में है, तो वो जो टेम्परेचर है वो 1147 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एडप की जा सकती है, वो की जा सकती है 2% कार्बन एडप की जा सकती है, और ये 2% कार्बन जो है आपके पास मैक्सिमम होती है उसको हम स्टील बोलते हैं। देखिए इसके अंदर अंदर 2% से कम कम टेम्परेचर, सॉरी 2% कम 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 कार्बन जो है उसके उसको बोलते हैं आयरन और कार्बन के मिक्सचर को स्टील। उसके बाद अगर आप 2% से ज्यादा एडप करते हो तो वो
कास्ट आयरन कहलाता है, वो स्टील नहीं कहलाएगा 2% से ज्यादा। तो 2% से कम हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास स्टील, और 2% से ज्यादा जो है वो कास्ट आयरन कहलाएगा। तो हमारे पास ये देखिए, अब इजी आगे समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए 910 डिग्री टेम्परेचर प्योर आयरन ने कर पार किया था तो गामा मदन बन गया था। अब 1400 डिग्री को पार करता है तो वो डेल्टा आयरन बन जाता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा डेल्टा आयरन, ठीक है। इसमें भी हमारे पास एक लाइन होगी जिसको हमने क्रॉस करना है और डेल्टा आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं सारा कंप्लीट यहां पे दिखा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे इस लाइन को क्रॉस करने के बाद गामा आयरन था, अब गामा आयरन को जब गर्म करते हैं तो ये वाली लाइन आपने क्रॉस करनी है, ये वाली, ये ब्लू वाली आप जो देख रहे हैं, इसको आप क्रॉस करते हो तो ये डेल्टा में कन्वर्ट होता है। तो प्योर आयरन आपको 1400 डिग्री में ही, प्योर आयरन को 1400 डिग्री पे टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो गामा जो है वो डेल्टा में कन्वर्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ रही है, देखो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, देखिए नीचे आ रही है, ये लाइन ऊपर जा रही है। तो यहां पे क्या हो रहा था कि अल्फा से गामा बनाना आसान होता जा रहा था, कम टेम्परेचर पे हमारा गामा आयरन में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वो उल्टा हो रहा है, यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए यहां पे 1400, यहां पे 0% कार्बन है, यहां कार्बन मान लो बढ़ गई और कार्बन बढ़ गई, तो कार्बन जैसे जैसे बढ़ रही है तो गामा से डेल्टा आयरन कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें भी हमारे पास वही होगा, देखिए ये ए है ये बी है, तो दोनों बीच का एरिया नो मैन्स लैंड जैसे मैंने पहले समझाया था। तो यहां पे भी क्या होगा, गामा है ये डेल्टा है, तो गामा प्लस डेल्टा, ये वाला एरिया आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा का एरिया आ जाएगा। और देखिए 1539 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने उसमें समझाया, तो प्योर आयरन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या है, 1539 डिग्री, वहां पर जाकर पिघलना शुरू होता है, वो क्या बन जाता है, लिक्विड स्टेट बन जाती है। तो लिक्विड स्टेट बन जाती है तो उसके लिए हम इस तरह से समझते हैं। अब हमारे पास एक लाइन है, ये रेड वाली आप देख सकते हैं, रेड लाइन, इसको आप क्रॉस करते हो तो ऊपर के जो एरिया है वो सारा लिक्विड है। तो आप अब इस लाइन को क्रॉस करना है आपने, जैसे ही डेल्टा इस लाइन को क्रॉस करता है, डेल्टा पे आप मान लो आपके पास आयरन है, डेल्टा आयरन है, उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। अगर 1539 के लिए प्योर आयरन के लिए, जैसे जैसे कार्बन परसेंट बढ़ा रहा हूं, देखिए लाइन नीचे आ रही है तो इसका कारण जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। तो मैं मान लीजिए यहां पे हूं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट किसी और पॉइंट पे हूं, तो यहां पे है, मान लेते हैं कि 1% कार्बन है इसमें, तो 1% कार्बन वाले को जब गर्म करोगे तो रफली मान लेता हूं कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर आ रहा है तो कम हो रहा है, तो इसको आप क्रॉस करोगे तो लिक्विड, ये सारी लाइन जो है इसको कहते हैं लिक्विडस लाइन। तो लिक्विड लाइन है ये सारी, देख सकते हैं इसके ऊपर आपका सारा ये लिक्विड है। तो यहां देखिए ये डेल्टा, ये लिक्विड, इन दोनों के बीच का एरिया आप बोल सकते हैं लिक्विड प्लस डेल्टा। ये देखिए बहुत आसान, अब आपके लिए बहुत इजी, लिक्विड ये गामा, उन दोनों के बीच का एरिया ये क्या बन जाएगा, लिक्विड प्लस गामा। बहुत इजी है इसे समझना, मैंने काफी कोशिश की है कि आपको समझ आ सके, बहुत आसान भाषा यूज की है, कुछ एग्जांपल्स नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको इजी वे, और ज्यादा इजी वे से समझा सकता हूं। अभी देखिए एक आयरन कार्बन डायग्राम वे जितनी स्टडी कर सकते उतनी कम है, लेकिन ये बेसिक कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आपको ये समझ आ रखा है तो आपको आगे कितना कारण में आयरन में कार्बन कितना है उसके हिसाब से हम टेम्परेचर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, और हम उस जो आपके पास फर्नेस है तो फर्नेस में टेम्परेचर सेट कर देते हैं। देखिए 1539 किसके लिए था, प्योर आने के लिए, लिक्विड बनाने के, लेकिन कार्बन जैसे जैसे बढ़ा उसका टेम्परेचर भी कम हो गया लिक्विड बनाने के लिए। तो इंजीनियर का काम यही होता है कि आपने परसेंटेज देखना है और बताना है कि लेबर को इतने टेम्परेचर पे इसे सेट कर दीजिए और इतने टाइम के लिए रखें, और इतने टाइम के लिए रखेंगे तो ये चीजें इतने ये बन जाएगी, ठीक है। तो आपने वो चीजें आयरन कार्बन डायग्राम से देख के ही बतानी होती है, तो आपको इस जॉब में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ये चीजें। और फर्नेस जहां पे भी है वहां पे आयरन कार्बन डायग्राम की जरूरत पड़ती है,
क्योंकि हमें मोस्टली जो चीजें बनती है स्टील की बन रही है जो जहां पे, तो वहां पे हमें आयरन कार्बन डायग्राम की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, और समझ आया या नहीं आया तो प्लीज इसके बारे में जरूर बताइए, और लाइक और शेयर करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।